Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़े की ईद स्पेशल दावत वाली रेसिपीज़, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना, यहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली है, उनको हमने इनवाइट किया था डिनर पे और वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड भी हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी जो है सारी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। और जो लोग कहते हैं ना कि आपका ब्लॉग काफ़ी छोटा होता है, लंबे ब्लॉग शेयर किया करें, तो आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी लंबा होने वाला है और अब आपने पूरा ब्लॉग देखना है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ ये बहुत ही मज़ेदार सी चांपें, और इतना कोई ईजी और क्विक वाला मेथड है ना कि अगर आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट भी आ जाते हैं ना, तो ये आप फटाफट से रेडी कर सकते हैं। विद इन नो टाइम जो है ना ये रेडी हो जाता है, और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मतलब कुछ तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। सब कुछ जो भी आपने इसमें ऐड करना है ना, सब कुछ एक प्रेशर कुकर में ऐड करें और इसको प्रेशर लगा दें, बस आपकी डिश जो है वो रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें मैंने ऑयल ऐड किया, साबुत गर्म मसाला ऐड किया और लहसुन अदरक मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, लहसुन अदरक को ना क्रश वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो भी आप इसी तरह से इसमें साबुत ही ऐड कर दें। और उसके बाद फिर मैंने बकरी की चांपें इसमें ऐड कर दी, एक बड़े साइज़ का प्याज जो है वो इसी तरह से मोटा मोटा मैंने कट करके वो ऐड कर दिया, और दो टमाटर जो है ना वो मैंने पूरे इसी तरह से ऐड कर दिए, हल्का सा उसको मैंने कट लगा दिया ताकि बाद में मैं इसके छिलके जो है ना वो रिमूव कर सकूं। और इसके बाद इसमें जो मसाले हैं वही बेसिक मसाले आपने ऐड करने हैं जो आप हर चीज़ में जो है ऐड करते हैं, नमक, रेड मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर, बस ये मसाले आपने इसमें ऐड कर देने और अपने हिसाब से ना इसमें पानी डाल के इसको अपने प्रेशर लगा देना जब तक कि ये अच्छे से गल जाए। अभी मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी और फिर इसको मैं ओपन करती हूँ, तो नेक्स्ट फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just. अच्छा, उसके बाद जहाँ पर अब मैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ, तो मैंने हाफ के जी बोनलेस चिकन लिया है और इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड किया, हाफ टी स्पून रेड मिर्च ऐड किए, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना 1/4 बल्कि 1/4 से भी ना कम आपने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है। और रेड मिर्च क्योंकि मैंने इसमें कम ऐड किया, तो थोड़ी सी मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। और अगर आप लोग के घर में बच्चे नहीं है या आप बच्चों के लिए नहीं बना रहे ना, तो फिर आप इसमें धड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें हाफ टी स्पून पेपरिका ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पेपरिका जो है ना वो स्पाइसी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इससे ना बड़े मज़े का के वाला फ्लेवर आ जाता है इसमें। और इसके अलावा आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है, आपके पास अगर लहसुन अदरक का पेस्ट है तो वो ऐड कर दें, नहीं तो पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लहसुन अदरक का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ और कुक करते हुए जो है ना थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो पाउडर है ना ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बस इसके अलावा आपने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर देना है, क्योंकि पिज्जे के ऊपर तो ऑरिगेनो हम ऐड करते ही करते हैं, तो अगर आप चिकन में भी ऐड करेंगे ना तो इसके अंदर भी बड़े मज़े का एक फ्लेवर आ जाएगा। तो बस अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रख दूँगी कुछ देर के लिए। आप चाहें तो एक दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और उस टाइम भी जो है ना फ्रेश भी आप बना सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसको मैरिनेट करें और जिप लॉक में जो है ना पोर्शन बना के, तो 1 मंथ के लिए आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैरिनेशन है ना ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकती है, आप इससे पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, शॉर्मा वगैरह भी बना सकते हैं, और अगर पास्ता वगैरह कोई आपने बनाना है तो उसमें भी यही चिकन आप यही मैरिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मेरे तो क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी सारे काम साथ साथ चल रहे थे, तो इसलिए फिलहाल मैं इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ और फिर जो है ना कुछ देर के बाद मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है। Better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time. अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े का ये टी केक, और आज जो है मैं ये डब्बे वाले मटेरियल के साथ बना रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो है ना किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर जो होममेड होता है ना उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, और इसके भी जो है ना इंग्रेडिएंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी।
तो आज क्योंकि मेरे घर पे दावत थी और जब दावत होती है ना तब मैं इस तरह का रेस्ट नहीं लेती कि कोई रेसिपी जो है मेरी ख़राब हो जाए, क्योंकि वैसे ही आपने इतनी ज़्यादा डिशेज़ वगैरह बनानी होती है तो वो जल्दी जल्दी में जो है ना अक्सर कोई चीज़ ख़राब हो ही जाती है। तो खैर इस तरह की दावत कभी भी नहीं हुई, क्योंकि जब दावत होती है ना तब मैं इसी तरह की रेसिपीज़ बनाती हूँ जो मेरी गो टू रेसिपीज़ होती हैं, जिनका मुझे अच्छे से आइडिया होता है। और वैसे भी दावत जब आप करें ना तो कोई भी न्यू रेसिपी आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर एक तो न्यू रेसिपी ट्राई करने में ना टाइम भी ज़्यादा लगता है और जो गो टू आपकी रेसिपीज़ होती है ना वो ईज़िली आप कोई मतलब जल्दी से आप बना लेते हो। तो अगर आपने दावत में कोई न्यू रेसिपी ट्राई करना भी हो ना तो आप एक दो दिन पहले वैसे ट्राई कर लें और फिर आप दावत में चाहे उसको बना लें, तो वो आपको इजी भी होगी और वो जल्दी से बन भी जाएगी। मैंने भी इसी तरह से किया कि मैंने ये जो बॉक्स है ना ये पहले एक दफ़ा मैं बना के ट्राई कर चुकी हूँ और अब सेकेंड टाइम मैं इसको बना रही हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बना था और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आया था। तो मैंने सोचा कि आज भी जो है यही वाला केक मैं बनाती हूँ। तो इसके अंदर एक पैकेट जो है इन्होंने मैदे का दिया हुआ था, जिसके अंदर जो है वो राइजिंग एजेंट्स जो है वो बीच में उसके ऐड थे, और अलग से जो है एक पैकेट इन्होंने पाउडर शुगर का दिया हुआ था मेजर करके ना जितनी शुगर इसमें ऐड होनी है वो उन्होंने दी हुई थी। और साथ में जो है एग मेंशन किए हुए थे कि इसमें एग्स ऐड होंगे और उसके साथ इसमें क्रीम ऐड होगी, तो इसलिए मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, वरना ज़्यादातर जो है ना केक के अंदर वो बटर ऐड होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एग्स और क्रीम ली, उसको मैंने अच्छे से जो है ना बीट करके मिक्स कर लिया। उसके बाद जो पाउडर शुगर वाला पैकेट था ना वो मैंने इसमें ऐड किया, उसको भी मैंने अच्छे से जो है बीट किया मिक्स किया। और एंड में ये जो इन्होंने मैदे वाला पैकेट दिया था ना जिसके अंदर राइजिंग एजेंट्स थे वो फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड किया और साथ ही साथ जो है मैं इसको बीट करती जा रही थी। और मुझे लग रहा था कि ये मैदा जो है थोड़ा सा कम या ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी थी इसकी और इसका बैटर आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना, और इसी तरह की इसकी जो है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्रीमी सी। और अच्छा यहाँ पे ये मैं आपको बताऊँगी ये जो है ना विस्कर इसको किस तरह से क्लीन करते हैं इसको, क्योंकि बाहर इस तरह से निकालो ना तो स्पून के साथ ये अच्छे से क्लीन नहीं होता। तो इसको आपने क्या करना है, इसको यूँ चलाते हुए इसकी स्पीड भी थोड़ी थोड़ी सी कम करते जाना और हल्का हल्का सा ना इसको बैटर से यूँ बाहर निकालते जाना, तो ये इतने अच्छे से खुद ही क्लीन हो जाएगा ना। ये देखें सारा बैटर इसके ऊपर से उतर गया। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. अच्छा अब ये जो केक वाला पैन है इसमें मैंने बटर पेपर लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो बटर पेपर है ना ये कई दफ़ा सेट नहीं हो रहा था, तो इसके लिए आपने ये करना है यही जो केक वाला मटेरियल है ना इसको हल्का हल्का सा इस तरह से बाहर की तरफ को लगा के और पेपर को जो है ना इसके साथ इस तरह स्टिक कर देना है, तो ये अच्छे से जो है ना शेप में भी आ जाएगा। और बस अब यहाँ पे ये जो केक का बैटर है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा आप लोग ना इस बैटर को दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड करके चॉकलेट पाउडर या चॉकलेट्स वगैरह ऐड करके उस तरह से डिफरेंट वेरिएशन भी ला सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना यहाँ पे बिल्कुल प्लेन वाला केक चाहिए था इसलिए मैं इसके बीच पे जो है ना कुछ भी ऐड नहीं कर रही। लेकिन हाँ टॉपिंग में जो है मैं मेरे पास आलमंड पड़े हुए थे क्रश हुए हुए वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और टॉपिंग भी बड़े मज़े मज़े की होती हैं केक्स की, तो आप इसके ऊपर वॉलनट ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट रेजन्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, आलमंड ऐड कर सकते हैं, या जो होता है ना नारियल पाउडर वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बड़े मज़े के उनके टेस्ट आते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सिर्फ जो आलमंड है ना क्रश वाले वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और ये आलमंड जब ऊपर से बेक होते हैं ना इतना कोई मज़े का इनका क्रंची सा रोस्टेड टेस्ट आता है ना, वो तो खैर जब अभी रेडी होगा फिर मैं आपको दिखा। और ओवन को जो है मैंने प्री हीट पे लगा दिया था, उसकी भी सेटिंग्स मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि उसको मैंने किस तरह से सेट किया था। Some things are not the same as they were a year ago. तो प्री हीट करने के लिए मैंने टेम्परेचर रखा था 110, और जो ऊपर की ग्रिल होती है वो भी मैंने ऑन की थी, और साथ में जो हॉट एयर का जो फ़ैन होता है ना वो भी मैंने ऑन कर दिया था, और बस 5 मिनट के लिए जो है ना इसको मैंने प्री हीट किया था। उसके बाद अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और केक को जो है ना बेक करने के लिए नीचे मैं स्टैंड रख दूँगी, क्योंकि मैंने हॉट एयर पर इसको बेक करना है तो एयर जो है ना वो अच्छे से सर्कुलेट हो ताकि उसके नीचे से भी और ऊपर से भी। तो ये देखिए मैंने स्टैंड रखा है और इसके ऊपर जो है ना ये अब मैं ये वाला पैन रखने लगी हूँ केक वाला, और केक की मैंने क्या सेटिंग्स रखी थी वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर केक को अब बेक करने के लिए टेम्परेचर मैंने सेलेक्ट किया 140, और ये जो सेटिंग्स है ना इसमें से मैं सेलेक्ट करूँगी ये हॉट एयर वाली, सिर्फ जो हॉट एयर है ना इसको मैं ऑन कर रही हूँ, जिस तरह से एयर फ्रायर काम करते हैं ना सेम इसी तरह से ये काम करेगा। और ऊपर की जो ग्रिल है वो फिलहाल मैंने बंद कर दी थी, उसको सिर्फ लास्ट में जो है ना 3 to 5 मिनट्स में उसको ऑन करूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी उससे क्या होता है। और टाइमिंग जो है वो मैंने रखी थी 50 मिनट, मतलब तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा इसको बेक होते होते। और इसकी जो टिप्स है ना वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ केक ख़राब किन किन वजह से होता है। तो एक तो
जब भी आप केक को बेक होने के लिए रखें ना, तो कोशिश करें कि एक ही दफ़ा ना उसको पूरी टाइमिंग्स के लिए रखें, और बार बार आपको बीच में से ना खोल खोल के चेक ना करना पड़े उसको, क्योंकि एक दफ़ा जब केक राइज हो जाता है ना और बार बार हम उसको बीच में से खोल खोल के चेक कर रहे होते हैं, तो फिर केक जो है वो बैठ जाता है और दोबारा से उस तरह से राइज नहीं होता। और दूसरा ये कि जब आपका केक रेडी हो जाता है ना, या आपको लग रहा होता है कि केक रेडी हो गया लेकिन असल में वो रेडी नहीं हुआ होता, और हम उसको जो है ना टूथपिक से पिक करके देख रहे होते हैं कि ये रेडी हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपने एक ही दफ़ा जो है ना उसको करना है और साइड से करना है, लेकिन बार बार आपने ये नहीं करना कि उसमें बार बार आप पिक करते जाएं, उससे भी जो है ना उसकी एयर सारी निकल जाती है और वो राइज नहीं होता, वो उस तरह से बैठ जाता है फिर केक। तो खैर अभी आ जाते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो है बिरयानी के लिए चिकन को मैं मैरिनेट कर रही थी, और बिरयानी जो है ना वो ज़्यादातर मैं इसी तरह से मैरिनेशन करके ही बनाती हूँ, इससे आपका काम इतना ईजी हो जाता है ना और इतनी कोई क्विक बिरयानी बन जाती है ना। तो एक दिन पहले मैं मैरिनेट कर लेती हूँ, या फिर सुबह में मैरिनेट कर देती हूँ, या फिर कई दफ़ा मैं इस तरह से करती हूँ कि एक पैकेज बना के ना मैरिनेशन का वो मैं अपने पास फ्रीज करके रखती हूँ, कि अगर मुझे अचानक से कभी बिरयानी बनानी पड़े जल्दी में, तो बड़ा जो है ना ईजी हो जाता है काम, बड़ी क्विक बिरयानी बन जाती है। तो खैर वो तो अभी आगे मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 kg चिकन, 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा ही था, और इसमें जो है मैंने योगर्ट ऐड की है, एक पूरा पैकेट जो है वो बिरयानी मसाले का ऐड किया है। अगर आप लोग घर वाले मसाले यूज़ करते हैं ना, तो इस जगह पे आप घर वाले जितने भी जो भी मसाले ऐड करते हैं ना बिरयानी में, वो मसाले ऐड कर दें। और थोड़ा सा इसमें जो है बिरयानी वाला ही फूड कलर मैंने ऐड किया है, उससे जो है ना चिकन के ऊपर बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है, तकरीबन 1/2 teaspoon, क्योंकि बिरयानी मसाले में ना आपको पता है कि उसमें नमक नहीं होता। और उसके बाद मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया, बहुत बड़ा सा मेरे पास लेमन था, आप अगर छोटे वाले लेमन ले रहे हैं तो तकरीबन 5-6 lemon जो है ना उस वो आप इसमें ऐड कर दें। अगर लेमन नहीं है तो आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं, अगर सिरका नहीं है तो आप इसमें इमली का जो पल्प होता है ना वो ऐड कर सकते हैं, और अगर इमली भी नहीं है ना तो फिर आप जो आलू बुखारे होते हैं ना वो इसमें ऐड कर दें। मतलब कुछ भी आपने इसमें ऐसा ऐड करना है कि बिरयानी जो है वो ज़रा खट्टी से बने, क्योंकि बिरयानी जो है ना वो जब तक स्पाइसी और खट्टी नहीं होती ना तो वो मज़े की नहीं लगती। तो खैर अभी वापस आ जाते हैं यहाँ पर चाँप वाली रेसिपी पे। ये जो चाँपें थी बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से गल गई थी, और अब ये जो टमाटर है ना इसके छिलके मैं इस तरह से इसमें से निकाल दूंगी, और थोड़ा सा जो इसमें पानी था ना इसको ज़रा मैं तेज़ आंच पे ना इसको थोड़ी देर के लिए पका के इसको मैं ड्राई कर दूंगी। इसकी ना ग्रेवी बहुत थोड़ी सी बनेगी, थोड़ा सा ड्राई ड्राई बनता है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी या शोरबा वगैरह नहीं होता। तो इसको आपने ड्राई कर देना है, इसका जो मसाला है ना वो भी अच्छे से रेडी हो जाएगा, और बस इसको डिश आउट करके इसके ऊपर इस तरह से धनिया में डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो पिसा हुआ इसके ऊपर गर्म मसाला ऐड कर दें, और लेमन इसके ऊपर लाजमी ऐड करना है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और प्याज जो है वो मैंने इस तरह से कट करके इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया था, और इतने कोई मज़े की ये चांपे रेडी हुई थी ना, आपने लाजमी लाजमी ये ट्राई करनी है, बहुत ही ईजी और क्विक वाली रेसिपी है। उसके बाद जहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ गर्म वाली चाट, जो कि ब्लैक चनों के साथ भी बनती है, वाइट चनों के साथ भी बनती है, लेकिन जो ब्लैक चनों के साथ मज़े की बनती है ना उस तरह की वाइट चनों के साथ नहीं बनती, तो आपने ये ब्लैक चनों के साथ ही बनानी है। और ब्लैक चने जो है यहाँ पर मैंने भिगो के रख दिए थे, साथ में अब ये प्याज टमाटर और ग्रीन मिर्च मैंने लिया है, लहसुन अदरक लिया है, और सब चीज़ें जो है ना बस एक साथ आपने इसको प्रेशर कुकर में डाल के और प्रेशर लगा देना है। तो यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, साबुत गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ, और प्याज बस इसी तरह से मोटा मोटा से मैंने कट कर लिया, और साथ में जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, अदरक ले लिया, सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और ब्लैक चने जो मैंने भिगो के रखे थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और मसाले जो हैं वही बेसिक मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं, नमक मिर्च और धनिया और हल्दी, लेकिन आपने ये मसाले ना बहुत थोड़े थोड़े से ऐड करने हैं, मतलब 1/2 teaspoon ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मतलब उस तरह से नहीं ऐड करनी, क्योंकि बाद में भी ना इसमें स्पाइसेस जाएंगी। तो ये अभी एक दफ़ा गल जाएँ, इसको भून लेना है आपने अच्छे से, इसमें पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना है हमने। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. तो यहाँ पे आ जाते हैं जी केक की तरफ। केक जो है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, और बस अभी मैंने ओवन को ओपन किया है और अभी मैं इसको बाहर निकालने लगी हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर वाला जो ग्रिल है उसको सिर्फ एंड में जो है 2-3 minutes के लिए मैं ऑन करूँगी इसको ऊपर से कलर देने के लिए। तो ये जो अब इसका कलर आया है ना ऊपर से, ये मैंने ऊपर वाली ग्रिल ही ऑन की थी 2 minutes के लिए, तो उसकी वजह से ये कलर आया, वरना ये बिल्कुल येलो था ऊपर से, और ये थोड़ा सा जो है ना इसका कलर डार्क हो गया था, जला बिल्कुल भी नहीं। ये मैं अभी निकालती हूँ तो आपको भी आइडिया हो जाएगा, लेकिन कलर जो है इसका जितना मैं देना चाह रही थी ना उससे हल्का सा जो है वो डार्क हो गया इसका कलर। तो खैर केक जो है वो बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट केक बना था, और अभी मैं इसको कट करके भी आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ा सा गर्म है ना तो ये थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो ये मज़ीद जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा।
तो ये देखें यहाँ से इसकी जो सिर्फ ऊपर वाली लेयर है ना, इस पर हल्का सा थोड़ा सा जना कलर डार्क है, वरना ये जला बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ साइड से आपको आइडिया हो रहा होगा देख के, तो खैर टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था, वैसे उस तरह से केक बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ था। अच्छा केक जो है ना वो आज मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाना था और उसमें जो है ना सबसे नीचे केक की मैंने लेयर देनी थी, और मैं चाहती थी कि मैं घर में ही बेक करूँ, क्योंकि जिस तरह का घर में बेक हुआ हुआ फ्रेश वाले केक का रिजल्ट आता है ना, वो मार्केट वाले का नहीं आता। तो इसलिए फिर मैंने घर में बनाया। उसमें तो खैर ये थोड़ा सा बिल्कुल यूज़ होगा, बिल्कुल नीचे ही सिर्फ एक लेयर मैंने लगानी थी, बाकी केक जो है वो एज इट इज़ यूज़ होगा। I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. तो यहाँ पे आ जाते हैं अब पिज्ज़े की तरफ। पिज्ज़े के लिए जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था ना, सबसे पहले वो मैं बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए बिल्कुल ज़रा सा मैंने ऑयल लिया, थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, और उसके बाद जो मैरिनेटेड चिकन था ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ऑयल जो है मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत कम ऐड किया, तो थोड़ा सा और जो है ना इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। वैसे ऑयल जो है बहुत ज़्यादा इसमें ऐड करना भी नहीं है। तो बस 2-3 मिनट के लिए इस तरह से मैं इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें योगर्ट ऐड कर दूँगी। अच्छा योगर्ट जो है ना वो जिस टाइम पे आप चिकन को मैरिनेट कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर ऐड करेंगे ना तो मुझे लगता है कि वो चिकन जो है वो ज़रा ज़्यादा ही जो है ना वो पानी छोड़ देता है। तो फिर मैं इस टाइम पर इसमें ऐड करती हूँ, और बिल्कुल हाई फ्लेम पर एक दफ़ा जो है ना मैं इसको गर्म करके फिर मैंने इसको कवर कर दिया। तो इस तरह से चिकन जो है वो अपना पानी खुद ही रिलीज़ करता है, और अब अपने पानी में ही जो है ना ये देखें कितना पानी इसमें आ गया। तो अपने पानी में जो है वो चिकन गल जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, और बस 4-5 मिनट में जो है ना, यहाँ पे तो चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो बस ये थोड़ी देर में जो है ना ये गल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर चिकन कितने अच्छे से गल गया, इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और थोड़ा सा जो है नीचे ऑयल है। अगर इस टाइम पे पानी हो ना तो उसको हाई फ्लेम करके थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा। और चिकन को जो ये देखिए मैं तोड़ के दिखाऊंगी तो कितने अच्छे से ही गला हुआ है, बिल्कुल जो है ना चम्मच के साथ ही ये टूट रहा है। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. तो यहाँ पर पिज्ज़े के लिए सब चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं, जो भी कटिंग शटिंग करनी थी वो सब चीज़ें कर ली, और चिकन को भी जो है ना थोड़ा सा छोटा छोटा सा मैंने कट कर ली क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े से वो चंक्स थे। और उसके अलावा मैं इसमें ये ब्लैक ऑलिव्स ऐड करूँगी, हालोपिनोज ऐड करूँगी, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है ना वो थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, और पिज़्ज़े में स्पाइसीनेस जो है ना वो या तो हालोपिनोज की वजह से आती है, या फिर जो चिकन में आप मैरिनेट करते हुए स्पाइसीज ऐड करते हैं ना, तो या तो फिर उसकी वजह से स्पाइसी होता है। तो पिज़्ज़ा जो है ना वो थोड़ा सा स्पाइसी मुझे अच्छा लगता है, और हालोपिनोज तो इसमें मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा ऐड करती हूँ। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो खैर उसके अलावा जो है ये पिज़्ज़ा सॉस मैंने ली थी, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, और पिज़्ज़ा बेस जो है ना वो ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं घर में भी अक्सर बनाती हूँ, लेकिन इस तरह से जब कभी दावत वगैरह हो ना, जल्दी में कभी यूज़ करनी हो, तो फिर ये वाली पिज़्ज़ा बेस मैं ले लेती हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ जो है ना पिज़्ज़ा बनता है, बिल्कुल सिंपल जो बेसिक वाली होती है ना, ये वो है पिज़्ज़ा बेस। अच्छा आप लोग को एक आइडिया मैं दूँ, अगर आप लोग पिज़्ज़ा बेस बनी हुई यूज़ करना चाह रहे हैं ना और मार्केट से आप लोग को मिल ना रही हो, तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप नान वाले के पास जाएं, जो तंदूर वाले होते हैं ना जो नान वगैरह बनाते हैं, आप उनके पास जाएं और उनसे कहें कि जो नान के लिए उन्होंने पेड़े बना के रखे हुए ना, वो पेड़े आप उनसे ले लें, और सिंपल उसको भी इसी तरह से हल्का सा बेल लें, और पिज़्ज़े वाली चीज़ें उसी तरह से उसके ऊपर लगा के उसको बेक कर लें, तो सेम जो है ना वो यही वाला पिज़्ज़ा बनेगा, इसी तरह से उसका भी टेस्ट आता है। तो जब हम लोग पाकिस्तान में होते थे ना, तो मैंने अक्सर इस तरह से नान वाले से पेड़ा लेके मैंने इस तरह से पिज़्ज़े बनाए हुए, और सेम इसी तरह से बनता है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों में से किस किस ने ट्राई किया हुआ, कौन कौन इस तरह से करता है। तो बस ये देखें इस तरह से सब चीज़ें जो हैं इसके ऊपर मैंने लेयर कर दी हैं। अच्छा सबसे नीचे बेस पे जो है ना मैंने फ्रेश मोज़रेला यूज़ की थी, क्योंकि उसके साथ जो है ना वो चीज़ वाली जो सही वाली तंदूर सी बनती है ना वो बनती है, तो इसलिए मैंने वो यूज़ की थी, वरना नॉर्मल चीज़ भी आप यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। और टॉप पर जो है ना नॉर्मल जो पिज़्ज़ा क्रस्ट चीज़ होती है वो वाली मैंने ऐड किया है। अच्छा अभी जो है ना चीज़ मैंने बहुत कम ऐड की है, एक दफ़ा इसको मैं थोड़ी देर के लिए बेक करूँगी, और फिर मैं इसको निकाल के तब मैं इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। मैं चाहती कि थोड़ी सी जो नीचे चीज़ें मैंने इसके ऊपर ऐड की ना वो थोड़ी थोड़ी सी बेक हो जाएँ, और फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें ऐड करके और इसके ऊपर चिली भी ऐड करूंगी और ऑरिगैनोस भी ऐड करूंगी। अब पता नहीं वो क्लिप मेरे से कहाँ पे मिस हो गया, पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ या मिस हो गया। तो खैर यहाँ पर ओवन की सेटिंग में जो है टेम्परेचर मैंने 50 रखा था, और साथ में ऊपर वाली ग्रिल भी मैंने ऑन की थी, और फ़ैन भी मैंने ऑन किया था। और टाइमिंग जो है ना वो आप अपने हिसाब से देख लें, साथ साथ चेक करते रहें, तो जब आप देखेंगे पिज़्ज़े की जो चीज़ है ना ऊपर वाली वो अच्छे से पक गई है, तो फिर आप इसको निकाल लें।
तो ये देखें, ये है जी पिज़्ज़े की फाइनल लुक, और इतना कोई मज़े का परफेक्ट वाला पिज़्ज़ा रेडी हुआ था ना, मतलब मार्केट वाला जो पिज़्ज़ा है ना, उसका घर वाले पिज़्ज़े से कोई मुकाबला ही नहीं है। जो घर वाले फ्रेश पिज़्ज़े का मज़ा आता है ना, वो मार्केट वाले का मज़ा नहीं आता। तो खैर, जहाँ पर मैं इसको कट करके इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखा रही थी, और दो पिज़्ज़ाज़ मैंने बनाए थे, एक ये वाला पिज़्ज़ा था और दूसरा पिज़्ज़ा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये वाला था, और इसमें जो है ना चीज़ मैंने कुछ ज़्यादा ही ऐड की थी, मतलब फुल जो है ना चीज़ी पिज़्ज़ा था। I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. उसके बाद जहाँ पर अब मैं शेयर करने लगी हूँ सबसे स्पेशल वाली डिश की रेसिपी, जो कि है बिरयानी, और इतनी कोई मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी बनी थी ना, सच में अभी देख के भी ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी इजी और क्विक है ना, कि अगर आपने एक दफ़ा चीज़ें मैरिनेट करके रख दी ना इस तरह से, तो आपका आधा काम तो वैसे ही जो है वो हो जाएगा, और बहुत आसान, बहुत जल्दी आपकी बिरयानी बन जाएगी। और ये जो मैरिनेशन है ना, इसको आप मैरिनेट करके एक मंथ के लिए जो है ना, आप इसको डीप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अगर आपके घर में दावत है ना, तो आप एक दिन पहले, दो दिन पहले जो है ना, इस तरह से मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो बेशक आप फ्रीज़ इसको ना करें एक दो दिन के लिए, आप इसको फ्रिज में रखते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और दूसरा, जब बिरयानी बनती है ना इसके साथ, तो गोश्त के अंदर तक जो है वो इतने कोई मज़े का मसालों का टेस्ट किया होता है ना, इसकी वजह से बिरयानी और भी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ कप ऑयल लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा साबित गरम मसाला ऐड किया। अच्छा, गरम मसाला जो है ना, वो बिरयानी मसाले के पैकेट में भी होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ उसमें। तो साबित गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया, और तीन बड़े साइज़ के जो है ना प्याज मैंने लिए, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, मैं काफ़ी ज़्यादा बिरयानी बना रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे तकरीबन 1 kg राइस थे, या 1 kg से भी थोड़े से ज़्यादा थे राइस। यहाँ पर प्याज जो है अब हो गए थे गोल्डन ब्राउन, तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और उसके बाद ये जो है ना, ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो 4-5 मैंने ग्रीन मिर्च ली है, उसको मैंने अच्छे से जो है ना पीस लिया, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो ग्रीन मिर्च है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब तेज़ है, काफ़ी तीखी है, तो आप लोग जो है ना अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ग्रीन मिर्च की वजह से ना बिरयानी जो है वो काफ़ी स्पाइसी बनती है, और बिरयानी जो है ना वो तो स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो क्योंकि बिरयानी मसाले में आपको पता है कि उसमें तो इतनी ज़्यादा स्पाइसेस होती नहीं है, और रेड मिर्च वगैरह मैं इसमें नहीं ऐड करती, तो मैं इस तरह से ना ग्रीन मिर्च पीस के अच्छे से, और वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था ना, वो मैं इसमें ऐड दूंगी। और बिरयानी जो है वो तकरीबन हाफ डन हमारी हो गई है। चिकन को सिर्फ आपने 2-3 मिनट के लिए भून लेना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए इसको करना है। और उसके बाद टमाटर जो है ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 3-4 मैंने बड़े साइज़ के बिल्कुल जो है ना वो टमाटर ले लिए थे, वो मैंने बारीक बारीक कट किए, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और पानी आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, क्योंकि चिकन जो है वो खुद भी पानी रिलीज़ करेगा, और टमाटर का भी जो है ना अच्छा खासा पानी होता है, तो उसी में जो है ना चिकन गल जाएगा। हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि पानी कम है, तो आप थोड़ी सी इसमें जो है ना योगर्ट ऐड कर सकते हैं। Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago. तो यहाँ पर ये देखें, थोड़ी सी मैंने इसमें और योगर्ट ऐड किया है, और पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। तो बस अब इसको मैं जो है वो दम लगा दूंगी, प्रेशर लगा दूंगी, जिस तरह से भी आप इसको गलाना चाहें ना, उस तरह से आप इसको बस दम वगैरह लगा दें, इसको गला दें चिकन को, और मसाला जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। और बस अब साथ ही साथ जो राइस हैं उनको भी मैं बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, ताकि ग्रेवी जब तक रेडी हो, साथ साथ जो है ना राइस भी बॉईल हो जाए। आप जब भी बिरयानी बनाएं ना, तो कोशिश करें कि दोनों चीज़ें जो है ना, जो ग्रेवी है और राइस है ना, वो साथ साथ ही रेडी हों, क्योंकि जब हम दम लगाते हैं ना, तो अगर एक भी चीज़ ठंडी हो ना, या चावल या राइस, तो वो दम जो है वो सही से नहीं लगता। अच्छा, राइस बॉईल करने के लिए यहाँ पर पानी में जो है मैंने नमक ऐड कर दिया, थोड़ा सा साबित गरम मसाला ऐड किया है, और ऑयल ऐड किया था। इसके अलावा अगर आप चाहें तो धनिया या पुदीना वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और कई लोग जो है वो केवड़ा वाटर जो होते हैं ना, जिससे बिरयानी की तरह खुशबू आती है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो राइस जो है वो बॉयल हो गए थे, उसको मैंने स्ट्रेन कर दिया है, और यहाँ पर ग्रेवी जो है ना वो भी बिल्कुल रेडी हो गई थी। हल्का हल्का सा जो है ना इसमें, मतलब ग्रेवी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, बिल्कुल आपने इसको ड्राई नहीं कर देना। और यहाँ पर आप इसमें एंड में ऐड कर दूँगी लेमन जूस। अच्छा, लेमन जो है ना वो बिरयानी में पहले नहीं ऐड करना चाहिए, वरना
ना उससे जो है ना थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा टेस्ट आता है। तो इसी तरह से लेमन जूस जो है ना वो भी आपने पहले नहीं ऐड करना, मतलब उसको कुक नहीं करना, जब आपकी बिरयानी मतलब ग्रेवी रेडी हो जाए ना उस टाइम पे एड में जो है बिल्कुल मतलब दम लगाने से पहले आपने इसमें जो है लेमन जूस ऐड कर देना है। अच्छा, बिरयानी को दम लगाने से पहले जो है ना बिल्कुल सेंटर में बर्तन के जो है ना थोड़ी सी आप योगर्ट ऐड कर दें, तो उससे ये होता है कि बिरयानी दम में जो है ना वो नीचे नहीं लगती सेंटर से। और इसको आपने मिक्स नहीं करना होता, सिर्फ इसको सेंटर में इस तरह से ऐड करके और ऊपर से आप इसमें राइस ऐड कर दें। और बिरयानी जो है क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा बना रही थी तो इसलिए मैं इसको दो बर्तन में दम लगा रही हूँ। और दम जो है ना वो मैं हमेशा इस तरह से लगाती हूँ, मैं लेयर्स वाला दम नहीं लगाती, सिंपल इसमें नीचे जो है मैं ग्रेवी रहने देती हूँ और ऊपर जो है फिर सिर्फ इस तरह से बॉयल राइस ऐड कर देती हूँ। अच्छा, राइस जो है ना वो आपने फुली बॉयल नहीं करने, सिर्फ 70% या 80% इनको बॉयल करना है। और यहाँ पर दम में जो है थोड़ा सा मैं बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ और इस तरह से ड्राई जो है ना बिरयानी मसाला थोड़ा सा मैं दम में ऐड करती हूँ। और सब्ज़ धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है, फूड कलर ऐड कर दिया है। अच्छा, फूड कलर जो है मैं इस तरह से पानी में ऐड करके भी करती हूँ और थोड़ा सा मैं इस तरह से ड्राई भी इसमें ऐड कर देती हूँ, उससे ज़रा कलर डिफरेंट आ जाता है। तो बस यहाँ पे बिरयानी को दम लगाते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। अच्छा, दम लगाने से पहले जो है ना इस तरह से मैं बर्तन में 2-3 होल कर देती हूँ इसमें, ताकि नीचे से जो है ना वो स्टीम ऊपर तक आ जाए और अच्छे से जो है वो दम लग जाए। तो चलें, इसको मैं बंद करती हूँ और फिर मैं इसको ओपन करूँगी तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ बिरयानी की। और किचन को भी साथ साथ जो है ना मैं क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि जब दावत हो ना घर में तो फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और दावत में जो है ज़रा किचन को क्लीन रखना भी पड़ता है। तो खैर, किचन को वैसे भी मैं क्लीन ही रखती हूँ, लेकिन जब दावत होती है ना घर में तो फिर ज़रा बंदा वैसे भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा होता है इस मामले में। And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. और साथ साथ यहाँ पर जो है ये 2 तरह का कस्टर्ड मैंने बना लिया था, क्योंकि अभी मैंने फ्रूट राइफल बनानी थी और कस्टर्ड जो है वो मुझे पता है कि आप सबको बहुत अच्छे से बनाना आता होगा, तो इसलिए इसकी रेसिपी जो है ना मैं आज शेयर नहीं कर रही, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी मैं बनाऊंगी तो लाजमी जो है आप लोगों के साथ फ्रूट राइफल की भी रेसिपी शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर पास में ना मेरी 2 फ्रेंड्स रहती हैं, तो उनके लिए खाना मैंने इस तरह से पैक कर लिया था और अभी उनको जो है ना मैं खाना दे के आऊँगी। और यहाँ पर बिरयानी की आप फाइनल लुक देखें, कितने कोई मज़े की बिरयानी लग रही थी ना। और फ्रूट राइफल जो है ना वो मैंने इनके लिए अलग से जो है इस तरह से बाउल्स में बना के और इसी तरह से पैक कर लिया था, क्योंकि इसकी लेयरिंग करनी होती है ना, तो वो मैंने इन्हीं बाउल्स में जो है वो लेयरिंग कर ली थी इनकी, बाकी जो है वो फिर मैं अलग से सेपरेट बनाऊंगी। और बस अब यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट वाली रेसिपी की तरफ। आज का व्लॉग तो इतना कोई लंबा हो गया ना कि मैं वॉइस ओवर कर करके थक गई हूँ, और अब अगर आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया ना तो ये फिर जो है ना नाइंसाफ़ी हो जाएगी मेरे साथ। तो खैर, यहाँ पे चने जो हमने भून के रखे थे ना, चनों का पानी आपने जो है वो थोड़ा अच्छे से ड्राई करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा उसमें पानी रह जाए, ज़्यादा पानी ना हो उसमें। और हल्की सी फ्लेम पर जो है ना चनों को इस तरह से मैं गर्म कर रही हूँ, क्योंकि चने जो है वो ठंडे हो चुके थे काफ़ी देर के मैंने रखे हुए थे। और उसमें फिर आपने प्याज और टमाटर ऐड कर देने हैं, और पहले मैंने इसमें प्याज ऐड किए, प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है, बाकी चीज़ों को आपने नहीं कुक करना। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, और साथ में मैंने बॉईल किए हुए आलू रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है मैं इसमें खीरा भी ऐड करूँगी और एप्पल भी ऐड करूँगी, एप्पल मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि वो मतलब पकते हुए जो है ना गर्म गर्म में आपने ऐड नहीं करने। तो खैर, एप्पल जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड करें या ना करें, लेकिन एप्पल की वजह से जो है ना वो बड़ा मज़े का खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, तो मैं तो लाजमी ऐड करती हूँ। तो बस प्याज और टमाटर के बाद जब सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी ना, तो यहाँ पर फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। आपने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कुक नहीं करना, सिर्फ गर्म गर्म जो चने होंगे ना उनके अंदर आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। और एंड पे मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, साथ में मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी का इतना कोई मज़े का इसमें टेस्ट आता है ना, और जो खुशबू आती है ना साथ में, बहुत ही मज़े की। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, तो इसीलिए इसमें मैंने पहले बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड की थी, क्योंकि इस जगह पे इसमें चाट मसाला भी जा रहा है, लेमन जूस भी जा रहा है, तो फिर वो नमक मिर्च है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे चाट जो है वो रेडी हो गई, इसको डिश आउट करूँगी। इसमें जो है ऊपर से आप इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी ग्रीन चटनी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह से भी आप इसको सर्व करना चाहें।
तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपने पूरा व्लॉग देखा है और देखते देखते यहाँ तक आ गए तो थैंक यू सो 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 मच, और अगर आपने व्लॉग को लाइक भी कर दिया तो मज़ीद थैंक यू। तो बस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Been through a lot of pain.